जी हाँ, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल 16 और 17 अप्रैल 2020 को। जी हाँ, कहाँ होगी तेज तर्रार धूप और कहाँ होगी बारिश और कहाँ रहेगा मौसम शुष्क, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। और हाँ दोस्तों, आप कौन से राज्य और शहर में रहते हैं हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हम आपके राज्य और शहर की खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। जी हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार में बदल सकता है मौसम का मिजाज, किसानों पर बढ़ गई है चिंता। जी हाँ, बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क होने के साथ ही आसमान में हल्की से मध्यम बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को बिहार में मौसम बदलने का अनुमान लगाया जा रहा है। विभाग के अनुसार बादल छाए रहने और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसके साथ ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वही दोस्तों, बिहार में सोमवार का दिन काफी गर्म रहा, दिन भर धूप चली। इसी के साथ प्रदेश में कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ वहीं शाम होते ही तेज हवा चलने के कारण लोगों को तापमान में गर्मी में थोड़ी राहत मिली। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों में बिहार में तापमान बढ़ जाएगा और लोगों के दिन भर गर्म हवा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, बिहार में मंगलवार को पटना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दोस्तों, 18 अप्रैल को लगभग 0.50 मिलीमीटर वर्षा की संभावना तय जा रही है। इसी के साथ धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, बिहार में इस समय अगर बारिश होती है तो किसानों की फसल बर्बाद हो सकती है। और आपको बता दें, होली के बाद हुई बारिश में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। वहीं बारिश को लेकर किसानों की चिंता भी बढ़ चुकी है। वहीं लॉकडाउन को लेकर किसान गेहूं की फसल की कटाई करने में भी बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही ऐसे में बारिश परेशानी का सामना बन सकती है, क्योंकि फसल तैयार और खेतों में पड़ी है। वहीं दोस्तों, बिहार के कई जिलों में गर्मी अधिक रहेगी तो वहीं कुछ जिलों में गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो न्यूनतम तापमान 25 रहेगा। इसी तरह भागलपुर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। आइए जानते हैं इन राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। जी हां दोस्तों, देश में गर्मी में ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ कुछ राज्यों का बारिश क्रम जारी है। बीते 24 घंटों में दक्षिणी और मध्य भारत में बारिश होने के आसार है। वही आगे ये अनुमान लगाया जा रहा है की अगले 24 घंटों में कुछ राज्यों में बारिश भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जहाँ गर्मी की बात है तो वह हीट वेव की स्थिति गुजरात के अलावा विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश पर बढ़ेगी। वही दोस्तों, पूर्वोत्तर मौसम बदल सकता है। अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कर्नाटक में मध्य, महाराष्ट्र और केरल के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। और दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अधिक बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभव है। उत्तर प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हो सकती है। वही दोस्तों, इस समय का मौसम सिस्टम यह कि बांग्लादेश में पूरी भागों पर एक चक्रवातियों का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। हिमालय, पश्चिम बंगाल में उड़ीसा तक एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। और दोस्तों, अप्रैल की शुरुआत से ही मध्य भारत में तापमान बढ़ने और देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का खरगोन शहर 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में साथ ही लंबे समय के लिए भीषण रूप से गर्म बना हुआ था। वही दोस्तों, गुजरात में कई दिनों में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात के शहर में लू की चपेट में आए हैं, जहां तापमान में सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ और दक्षिण मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य इलाकों में तेज गर्मी की चपेट में आ गए हैं। इस भागों में 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुंच चुका है तापमान। वहीं दोस्तों, आप कौन से राज्य और शहर में रहते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हम आपके राज्य और शहर की खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप ELS न्यूज चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दिया उसको दबा दीजिए, इससे हम हर काम की खबर शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। थैंक यू दोस्तों।